शक्ल से सादा, मिजाज से नरम, बातों के सच्चे हैं, हरकतों में शरारत है मगर इरादों के सच्चे हैं। की है तबाह जिनकी जिंदगियां किश्तों में तुमने, वो मासूम भी अपनी माओं के बच्चे हैं। बजा लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तंजील खान है, मेरा ताल्लुक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जितना भाई साहब ने इंग्लिश बोली उतना लिख के मैं यूपी बोर्ड में पास हो गया था, तो थोड़ा लिहाज करें लैंग्वेज का भी। जब मैं 10वीं में था तो एक दफ़ा मैं मुशायरा सुनने गया था, तो राहत साहब, मुनव्वर राना साहब आए थे हमारे यहाँ। उनकी एक बात मुझे आज तक याद रह गई। उन्होंने कहा था कि एक ज़माने में जब औरतें अपने बच्चों को मदरसे, मकतब या स्कूल नहीं भेज पाया करती थी, तो उनको मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में भेज दिया करती थी, क्योंकि वहाँ वो तहजीब, वो संस्कार सीख पाएंगे। मुझे लगता है कि वो नस्ल बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस तरह की महफिलों में बैठना नहीं छोड़ा। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए कि आप अदब से, बहुत चीज़ें हैं इस शहर में करने के लिए, लेकिन अगर आप इस जगह पर आए हैं तो यकीन मानिए कि आप कुछ तो मोहब्बत करते हैं लैंग्वेज से, आप लिटरेचर से, वो किसी भी तरह का लिटरेचर हो, उर्दू हो, हिंदी हो। तो मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, फिर एक मुक्तक, फिर अपनी जगह लूँगा। तेज़ तूफ़ान का अंदेशा हो तो सयाह दरिया पार नहीं करता, तेज़ तूफ़ान का अंदेशा हो तो सयाह दरिया पार नहीं करता, अहमक भी हो अगर ताजिर, ताजिर मीन्स बिजनेस मैन, अहमक मीन्स पागल, अहमक भी हो अगर ताजिर तो खसारे का कारोबार नहीं करता, ये वादे अदाएं, ये वादे अदाएं बातें, ये सब तीर हैं तरकश के, अब तो मान लो कम से कम वो तुमसे प्यार नहीं करता। और शेर है कि तुम्हारे इश्क में फिर से बर्बाद हो जाऊं, तुम्हारे इश्क में फिर से बर्बाद हो जाऊं, किनारे तोड़कर दरिया के फिर सैलाब हो जाऊं, बेरहम होकर अगर तुम बन जाओ सरकार तो मैं भी जिद पर अड़ूं और शाहीन बाग हो जाऊं। और एक है कि हवाएं तेज़ हों तो दिए को हाथों से बचा लेता हूँ, हवाएं तेज़ हों तो दिए को हाथों से बचा लेता हूँ, घिर जाता हूँ जब बिल्कुल तो हल्के से मुस्कुरा लेता हूँ, साथ चले थे जो मुसाफिर खो गए हैं तंजील, तसल्ली ही के लिए मगर नाम सब के बुला लेता हूँ। ये शेर लिखा है कि उन्होंने बात नहीं की अंदाज भांपते रहे, उन्होंने बात नहीं की अंदाज भांपते रहे, हम भी सांसों की आहट से रूह झांकते रहे, फ़ोन रख कर एक अरसा हो चला था, एक ज़माने तक मेरे हाथ कांपते रहे। अच्छा, मुझे लगता है ना कि यार हम मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा रिजर्वेशन का, रवि साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ कोटा होना चाहिए जिसमें उनके लिए अलग से तालियां बजती रहें जब वो मोहब्बत पे लिखें तब, क्योंकि हमने फेसबुक से शुरू किया था, अब लिंक्डइन पे दिल तोड़वा रहे हैं, तो उसका लिहाज किया जाए थोड़ा सा। उलझन मुश्किल, हलचल धड़कन और बस, उलझन मुश्किल, हलचल धड़कन और बस, उड़ती नींदें, जलती आँखें, थोड़ी तड़पन और बस, मेरी उंगली उसकी जुल्फें, उनमें उलझी आधी दुनिया और बस, नदियां तारे गिरते झरने, नदियां तारे गिरते झरने, उसकी बिंदिया और बस, सुबह की ओस जुगनू की चमक, मिट्टी की महक उसकी खुशबू और बस, कोरे कागज फैली स्याही, आधी गजलें उसके आंसू और बस, हिकमत डिग्री किताबें समझदारी, हिकमत डिग्री किताबें समझदारी, उसकी ज़िद और बस, दुनिया दहशत फिक्र समझदारी, उसका हंसना और बस, सरहद वरहद झगड़े झंझट, सरहद वरहद झगड़े झंझट, समझदारी उसके बालों का खुलना और बस, खामोश समंदर नीला आकाश, खामोश समंदर नीला आकाश, उसका जाना और बस, सर्द रातों की आँच, सर्द रातों की आँच, तपती दोपहरी में हल्की सी धूप, बारिश के फुहारों का छू के लौट जाना, उसके हमेशा पास होने का एहसास और बस। शुक्रिया। बेहतरीन नज़मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।